तो आज हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन। तो इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन पढ़ लिया है, तो आज हम उसे अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड एन बी ए मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन ऑन डी एंड यू बी ए यूनिट इन डी दिन यू सो दैट एन ऑफ यू इक्वल्स टू वन। तो हमारे पास डी एक इंटीग्रल डोमेन है एंड एन एक मल्टीप्लिकेटिव नॉन फंक्शन है और यू एक यूनिट है, ठीक है। तो हमें दिखाना है जो नॉन फंक्शन ऑफ यू होता है दैट इज इक्वल्स टू वन। सो सॉल्यूशन, वी हैव डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमारे पास डी एक इंटीग्रल डोमेन है जहां पर एन इज ए मल्टीप्लीकेटिव नॉम फंक्शन ऑन डी एंड यू इज एन यूनिट इन डी। तो हमारे पास यू एक यूनिट है इंटीग्रल डोमेन डी में, तो दे आर एग्जिस्ट, हम यहां से ये कह सकते हैं दे आर एग्जिस्ट यू इनवर्स बिलोंग्स इन डी विथ यू इंटू यू इनवर्स इक्वल्स टू वन, ठीक है। अभी हमने जब नॉर्म फंक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था नॉर्म फंक्शंस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहला कंडीशन था एन ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो व्हेन अल्फा बिलोंग्स इन डी, एन ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल टू जीरो व्हेन अल्फा बिलोंग्स इन डी एंड एन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू एन ऑफ अल्फा इंटू एन ऑफ बीटा व्हेन अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स इन डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यू इज ए यूनिट इन डी एंड यू इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स इन डी। तो यू और यू इनवर्स दोनों ही डी के मेंबर्स है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एन ऑफ यू नॉर्म ऑफ यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड एन ऑफ यू इनवर्स नॉर्म ऑफ यू इनवर्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर एन ऑफ यू एंड एन ऑफ यू इनवर्स हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होंगे क्योंकि यू इज ए यूनिट इन डी। तो यू अगर इंटीग्रल डोमेन डी में एक यूनिट होगा तो यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसी तरीके से यू इनवर्स का भी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यू ऑफ यू एंड यू ऑफ यू इनवर्स इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। नाउ नाउ एन ऑफ वन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एन ऑफ वन इंटू वन दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ वन इंटू एन ऑफ वन, बिकॉज नॉर्म फंक्शन जो होता है वो मल्टीप्लीकेटिव होता है। एन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू एन ऑफ अल्फा इंटू एन ऑफ बीटा। सो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इंप्लाई एन ऑफ वन माइनस एन ऑफ वन इंटू एन ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाई अगर हम एन ऑफ वन कॉमन ले लें तो वन माइनस एन ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से वन माइनस एन ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा क्योंकि हमें पता है नॉर्म ऑफ वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाई नॉर्म ऑफ वन इक्वल्स टू वन आएगा। अभी यू इंटू यूनिवर्स इक्वल्स टू वन आता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ यू इंटू यू इनवर्स इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ वन। दिस इंप्लाई क्योंकि नॉर्म फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, सो एन ऑफ यू इंटू एन ऑफ यू इनवर्स इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ वन इक्वल्स टू वन होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एन ऑफ यू इक्वल्स टू वन और हम यही दिखाना था, हेंस हेंस एन ऑफ यू इक्वल्स टू वन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट्स ऑफ जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट। तो हमारे पास है इंटीग्रल डोमेन डी इक्वल टू जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट, देन नॉर्म फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा मॉड्यूलस से फॉर ए बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी एंड एंड ए इज मल्टीप्लीकेटिव नॉर्म फंक्शन। नाउ लेट अभी मान लेते हैं यू इज ए यूनिट इन डी, देयर फोर एन ऑफ यू इक्वल्स टू वन आएगा। अभी हमने प्रूव किया है सो एन ऑफ यू इक्वल्स टू वन। दिस इंप्लाई एन ऑफ यू इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू वन। तो यहां से हम बोल सकते हैं यू इक्वल्स टू वन और यू इक्वल्स टू माइनस वन। तो डी इक्वल्स टू जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट के लिए दो यूनिट्स होंगे यू इक्वल्स टू वन और यू इक्वल्स टू माइनस वन। हेंस दे आर एग्जिस्ट ओनली टू यूनिट्स वन एंड माइनस वन।
क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल यूनिट्स ऑफ जेड ऑफ आई। तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन डी का दिया हुआ है जेड ऑफ आई दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। हम ऐसे लिख सकते हैं, देन नॉर्म फंक्शन ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल्स टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ए प्लस आई बी बिलोंग्स इन डी एंड ए इज ए मल्टीप्लीकेटिव नॉर्म फंक्शन। नाउ लेट यू इक्वल्स टू सी प्लस आई डी बी ए यूनिट इन जेड ऑफ आई। अभी जेड ऑफ आई में हमने यू इक्वल्स टू सी प्लस आई डी को यूनिट मान लिया है, देयरफॉर नॉर्म ऑफ यू इक्वल्स टू वन आएगा। डी सिंपली हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो यहां से सी इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस वन, डी इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा केस आएगा सी इक्वल्स टू जीरो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो ये दो केसेस आ सकते हैं। तो पहले केस के लिए यू इक्वल्स टू अगर हम वैल्यू पुट करें प्लस माइनस वन तो हमें मिलेगा यू इक्वल्स टू प्लस माइनस वन प्लस आई इंटू जीरो, और दूसरे केस के लिए यू इक्वल्स टू जीरो प्लस आई इंटू प्लस माइनस वन। सो यहां से हमें यू इक्वल्स टू प्लस माइनस वन मिलेगा एंड यू इक्वल्स टू प्लस माइनस आई मिलेगा। सो हम बोल सकते हैं कि दे आर एग्जिस्ट वन माइनस वन आई एंड माइनस वाई ओनली फोर यूनिट्स इन जेड ऑफ आई।